टाइप्स है तो मेरे मेरे घर पे ऐसी पेंटिंग है, मेरे घर पे ऐसी पेंटिंग है, सो इज इट गुड और मतलब क्या होता है, विजन बोर्ड का मतलब ये होता है, मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स, जैसे आपका कोई सपना है किसी चीज का, कोई चीज आप अचीव करना चाहते हो, लाइक से पर्टिकुलर कार है आपको, BMW रेंज रोवर और कोई भी कार आपको अपने लाइफ में चाहिए, तो उसके लिए एक विजन बोर्ड हम लोगों को बताते हैं। एक्चुअली आई एम इनटू मोटिवेशनल स्पीकर स्पीकिंग आल्सो, मैं क्या एक एजेंसी भी काम कर रहा हूँ कि टू टेक आउट द पीपल फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, तो उसके लिए सेमिनार वगैरह करता हूँ, टॉक्स आल्सो। तो विजन बोर्ड को हम उसको बोलते हैं कि अचीव योर ड्रीम्स, आप एक बोर्ड बनाइए, उसमें पिक लगा दें, पिक लगा ऐसी जगह लगाइए जो आपके हमेशा आंखों के सामने रहे, क्योंकि होता है उसका विजुअल इम्पैक्ट ये होता है, जो आप देखते रहते हो ना वो धीरे 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 आपकी सबकॉन्शियस में जाती रहती है, आपकी सबकॉन्शियस में जाती है तो वो एकदम मैनिफेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा है। विजन बोर्ड दिखती नहीं की दिखती है, बहुत इफेक्टिव होती है, इसलिए पेंटिंग आप जब भी घर में लगाते हो या कहीं पर भी लगवाते हो तो पेंटिंग शुड नॉट बी नेगेटिव। जैसे कई बार सैड मूड की पेंटिंग्स होती है, ठीक है, या आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है ना, एक अकेली लेडी की पेंटिंग होती है सैड फेस वाली, या वेटिंग लेडी की फोटो होती है, इस तरह की कमी लगाती है। इवन जो जो ये होते शेर चीते वगैरह जैसी फोटो भी लगाते हैं, एंड कोई भी अवार्ड सीन नहीं लगा देते। सर अगर वेटिंग लेडी की फोटो नहीं लेकर लेडी रीपिंग रहे घर में, तो क्वेश्चन जनरल रहते सर, घर वाला की रोटी रहेगी सबका एक्सपीरियंस है, जिसकी शादी होगी उन लोग से पूछो आपकी भी तो होगी ना सर। सब लोग आगे आ जाओ, आप इधर आ जाओ, घेर लो सर, आ जाओ सब लोग आ जाओ, आपके पास अभी नंबर तो है सर का, आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा आप कॉल कर लो। Water is okay, but still water का issue है. Something like that. Actually, the thing is that sink is allowed because sink is an integral part. अब मैं आपको बता दूँ, for example, जैसे अपन लोग boiler लगाते हैं. अगर आपने boiler में देखा होगा, boiler के साथ एक पानी का tank भी रहता है. वो compulsory होता है. इसी तरह से simultaneously पुराने ज़माने में generators जो आते थे, अब तो generator canopies आ रहे हैं. पहले जो पुराने वाले generator होते थे ना, इस तरह के, उनके साथ भी पानी रहता था. वो drum रहता था, तो पानी circulate होता रहता था. तो देट वॉज अ पार्ट ऑफ द जनरेटर, तो वो नुकसान नहीं करता. लेकिन अलग से अगर पानी का कोई भी आपने बाथरूम बना दिया है यहाँ पे सपोज, ठीक है, या आपने पानी की टंका रख दिया ऊपर, ओवर हेड वाटर टैंक रख दिया, वो नुकसान करता है. कीपिंग वाटर हेयर इज नॉट ए रॉन्ग, वाटर स्टोर नहीं होगा, वहाँ स्टोर करना है, मतलब वाटर यूज करते हैं, लेकिन वो बाहर निकल भी जाता है, वैसा चलेगा. हाँ वो तो रनिंग रहता है, स्टोर्ड वाटर इज बैड, वो सारे सोर्स नहीं होना चाहिए. हाँ ठीक है,